करके करो, अथवा गांव के या घर के या अकेले, पर भगवान की प्रार्थना हर रोज कर। देखो सुबह को थोड़े साथियों के साथ मैं प्रार्थना करता हूं, और शाम को तो आप देखते ही हैं कि आपसे पता नहीं कहां से हजारों आदमी आ जाते हैं। तो भगवान की प्रार्थना करना चाहिए, उठते ही भगवान को याद करना चाहिए। जो आप नाम ले सब भगवान के अच्छे नाम, श्री राम बोलो, श्री राम, हरिओम हरिओम हरिओम। भगवान का 5 मिनट 10 मिनट 20 मिनट उठते, यदि सोते हो तो भी भगवान को याद करते, रोटी खाते हो तो भगवान को याद करके 10 20 40 50 वाले नाम जप करते, जब भी काम पर जाते हो तभी भी भगवान का नाम ले। भगवान को न भुलाओ, ये पहला काम है भगवान को याद कर। महाराज भगवान का क्या कयामत करते गया है उनके, भगवान हमारे लिए जमीन बनाई है, पानी बनाया है, हवा बनाई है, अग्नि बनाई है, सूर्य चंद्र बगीचे बनाया, जंगल बनाया है, सब्जियां बनाया है, फल बनाया है, खाना बनाया है। जय राम जी। अभी बाहर को तो छोड़ो, या दिमाग दिया है, अभी अच्छे से सुंदर मकान बनते हैं, हवाई जहाज बनते हैं, अनेक प्रकार के चीजें बनती हैं। जिस भगवान ने बुद्धि दिया है, आँखा दिया है, जिसके नेत्र नहीं देखे क्या हाल है, अरे लोग भाई कौन है, रघुनंदन है, अरे बेटा मेरे को तो रास्ते में, अरे तुमको नरेश है, हाँ 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 दादा मैंने, अरे मेरे को तो रास्ते में तो दाम, ये हाल होता है जिसके नेत्र। श्री राम, तो जिसने नेत्र दिए, जिसने कान दिए, कान न होते तो सुन सकते, जिसने कान दिए, जिसने आंख दिया, जिसने दिमाग दिया, बुद्धि बुद्धि शक्ति दिया, जिसने दांत जिसने दिया, आलोक में यह है कि चबाते अच्छी तरह न, दांत कितने होते हैं, 32 दांत, तो उसकी माना क्या कि कम से कम 32 बारी चबा करके खाओ, जितने अच्छी तरह चबाओगे तो उनमें ये थूक आएगा, योग शास्त्र में उनको अमृत कहते हैं, जितना आप अच्छी तरह चबाओगे उनमें वो आएगा, थूक आएगी, तो अच्छी तरह से खाना हजम होगा। 50 बारी 60 बारी 80 बारी 100 बारी 100 से भी ज्यादा वो चबाते हैं, रोटी को चबा करके खाना चाहिए। अरे जिस भगवान ने ये मेहरबानी करा, नाक दिया, कान दिया, नाक अच्छा सारा शरीर बना देता, नाक न होता तो जयराम जी के, मैं जाता था केदारनाथ वगैरह, तो बुद्धा केदार है उत्तर काशी से, वहां बुद्धा केदार गया तो एक माई बेचारे जंगल के थे गाँव के, वो जंगल में तो वो घास वगैरह काटने को रीत और अरे सब बन गया, अपन नाक न होता तो, और जिसने नाक तो मेरे बनाया है, हाथ दिया है, पांव दिया है, हाथ के बना सारा शरीर मांस बना दिए, पर हाथ के न होते तो ये जो तारा वगैरह बनिए कहाँ से बनिए, कि ये नारियां हैं नारियों से, और मक्खी बैठती है तो वह होता क्या करे, हुक्म आता है कि इनको चढ़ा चलो। तो जिसने नारियां बनाया है, कई हजारों लाखों नारियां है, तो नारिया जिसने दिया है, हड़के बनाए है, मांस दिया है, ये कल रखा है, ऐसे घुटने जिसने बनाया उसकी मेहरबानी ये है, उनको याद न करे। अरे कांटा निकालता है कांटा, चलिए कहे थैंक यू, सवारी बड़ी जयराम, कांटा निकालता है तो भी आप कहते हम बड़ी मेहरबानी, तो जिसने इतनी मेहरबानी करी भगवान को याद करना चाहिए कि नहीं, आप सुना उजार थी, भगवान को याद करना चाहिए कि नहीं, तो आप अभी करेंगे भगवान को याद कि नहीं, अच्छी माँ। और जब इसको आएंगे इधर कस्तूरबा विद्यालय में, तभी इनको नमस्कार करोगे कि नहीं, देखना अभी जो जो वचन करते हो पक्के रहना,
हाथ जोड़ करके यूं मां को याद करना, उस वक्त कसूरबा को याद करना कि ये उसका उद्याला है, जो उनमें गुण है भगवान हम में वो गुण हो, जो कसूरबा में गुण थे वो हम लोगों में गुण आवे। श्री राम, आपका ज्यादा भी समय नहीं लेते, क्या समय हो गया भाई? महाराज कुछ ज्ञान वगैरह की तो बात नहीं सुनाई कि भक्ति की तो सुनाई, थोड़ी बहुत कर्म की तो सुनाई, कभी फिर ज्ञान की भी बात तुम्हारा जरा तो बताए कि ज्ञान की माना है ज्ञान। दुनिया में भगवत गीता मशहूर ग्रंथ है, 2000 उसके ऊपर विद्वानों की टीका है। गांधी की गांधी तो भगवत गीता को माँ करके समझते थे, अपनी माँ करके जानते थे गांधी भगवत गीता को। जब कोई ऐसी बात उनको खोजता था तो वो कि वो गीता हमको शिक्षा देती है, क्या बात बात से कहते थे, क्या कहते थे याद है किसको? ज्ञान की बात, ज्ञान की बात, उसमें कर्म है, जैसे वेदों के अंदर कि वेदों के अंदर कर्म है, उपासना है, तीसरा कांड, कांड की माना भाग, एक भाग में नित कर्म, निमित कर्म, काम्य कर्म, अध्यात्म कर्म, अधिदेव कर्म, अधिभूत कर्म, कर्म का दूसरे में कि दूसरे में उपासना है, मेरी भक्ति जिसको प्रथमा भक्ति, नवदा भक्ति, रागा भक्ति आदि पराभक्ति ऐसे भाई, वो तीसरे में है श्रवण ज्ञान, मनन ज्ञान, ध्यान ज्ञान, साक्षात्कार ज्ञान, ये तीन कांड, जैसे वेदों में तीन कांड है इस तरह गीता में वो तीनों कांड है, कर्म, उपासना, ज्ञान। तो ज्ञान महाराज, ज्ञान क्या कि ज्ञान की माना यह है कि ये जो जिसको आत्मा कहते हैं ये भगवत आप ही बैठा है सबकी जान बन करके, इको देव सर्वभूतेषु गुण, मन के जिस तरह से मन के बहुत है, माला के अंदर मन के 108 है पर उसमें दोरा एक है, इस तरह ये अनेक दुनिया है, अनेक सृष्टियां है, पर उसी में पार